वजह से फील कर रहे हैं कि हमारे दरमियान हमारी प्रोडक्ट मैनेजर हमारे मेरे तो उस्ताद भी हैं और मेरे मोहसिन भी हैं जनाब काजी यूसुफ हुकुम साहब, और जब उनका नाम आता है तो ज़हनी तौर ज़हन में इन तौर पर आता है मैं महम तासीर क्लाइंट होते हैं, आप उनको
एक छोटी सी पॉलिसी बेचते हैं, वो ले भी लेता है कि 2025 की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो आपका क्लाइंट बन जाता है, वो मौका मिलता है उसको अपनी सर्विसेज देने का, एक रिश्ता बनाने का, आईजीएफ का उनके नाम ब्रांड करने का। तो वो देखता है सर्विसेज बहुत अच्छी है इस कंपनी की, नाम भी है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिली है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, तो प्लान्स भी बहुत अच्छे, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर हम एक रिश्ता बना लेते हैं, हम भाई बना लेते हैं, बहन बना लेते हैं, आप मेरे अब्बू जैसे हैं, आप तो बाप की जगह ऐसे करते हैं ना, हम रिश्ता बना लेते हैं, खासियत है हम पाकिस्तानियों की। तो जब रिश्ता बन जाता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो इंसान जो 2500 की पॉलिसी आपसे ले रहा है, वो बाद में 2.5 लाख 5 लाख भी निकाल सकता है, जब उसकी ऐसे तो शायद आज पैसे नहीं, लेकिन जब होंगे तो आप ही को कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये बड़ा अच्छा प्लान था, लाइफ इंश्योरेंस, नेचुरल डेथ कवरेज भी था। तो यूज इट एज अ टूल टू इंक्रीज योर क्लाइंटेल, अपना क्लाइंटेल बढ़ाने के लिए इसको एज अ टूल इस्तेमाल करें, हुक डालने के लिए। तो ये एक इजी वे है। बाकी माशाल्लाह आप लोग सेंट्रल रीजन टॉप का रीजन है, मेड दी ऑयल और ईट दी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन। डिसम्बर है, और मैं खुश आमदीद कहता हूँ राशिद इफ्तिखार हमारे रीजन के एएसडी के हेड, और इसके अलावा हमारे सलीम शाह साहब हमारे हेड ऑफ अंडर राइटिंग, और हमारे आए मेहमान हमारे दोस्त फरहान यासीन साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो चूँकि आज लकी ड्रॉ भी है, और ये हमारी जो टेलीकास्ट है ये लाइव हो रही है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से अच्छा सा इस खुशी के मौके पर इस्तकबाल करेंगे हमारे रीजनल हेड सेंट्रल जनाब मोहम्मद जमील साहब। इसने पूरी कोशिश की कि मेरी नौकरी कच्ची हो जाए, तो भजन रखे मुझे अभी काम करने। अच्छा, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू, और खास तौर पे आईजीआई के वन एंड ऑनली लाइफ टाइम एमडीआरटी फरहान यासीन, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबको यहाँ पे खुश आमदीद कहता हूँ। लतीफा सुनाता हूँ पहले, फिर बात इजाजत है सर। अभी माहम बात कर रही थी, कल भी माहम ने बात की, और एक दफा पहले भी हमने इसे ध्यान में डाला, डेमसोर्ट पे बुलाया और इसे बात करवाई, तो मुझे उस वक्त भी याद आ रहा था, मैंने कहा किसी बड़ी गैदरिंग में सुना होगा। राशिद, ये मैंने बदला ले लिया तासीर साहब से, उस्ताद मोहतरम तासीर यूसुफ मखदूम से मैंने बदला ले लिया। कैसे ले, लेकिन इतना अच्छा नहीं ले सकता जितना उन्होंने मुझे मेरे साथ किया। मैं सेल्स ऑफिसर था, एबीएम था, महा माई वॉज एबीएम, सेल्स ऑफिसर नया नया बना था। एक इस तरह की बड़ी गैदरिंग थी, रिक्रूटमेंट के ऊपर एक सेमिनार था, जैसे स्किल बिल्डिंग, तो ये वाकई स्किल बिल्डिंग है, हम तो कर रहे हैं। सेमिनार था, मैं बैठा हुआ था सामने, तो तासीर मखदूम ने एक मिनट पहले आके मुझे कहा कि आपने रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करनी है, और मेरे टांगे कांप रही थी लिटरली, मुझे कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम किसी मजमे में, किसी क्राउड में, किसी बड़ी मीटिंग में, किसी ऐसे बच्चे को जिसकी कोई एक्सपीरियंस ना हो, उसे खड़ा करके ये कहा जाए तू बात करेगा 5 मिनट, तो उसकी लिटरली टांगे कांपेंगी, पर महम भी नहीं कांपी,
तो मुझे ख्याल आ रहा था मैम जब हमारे बच्चे आएंगे तो ऐसा ना करना, पहले से ट्रेन करके ना। तो थैंक यू वेरी मच। आज बेसिकली ये स्किल बिल्डिंग भी है और बिल्कुल स्किल बिल्डिंग है, हम आप देखेंगे स्किल बिल्डिंग हो रही है, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़ के ये इजहार तशक्कुर का, शुक्रिया अदा करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो कैसी? आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुसल अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए दिसंबर के अहम तरीन दिनों में, जैसे माहम कह रही थी दिसंबर में ईद का समय होता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हेड ऑफ सेल्स हमारे साथ पिछले 3-4 दिन से ये सेंट्रल रीजन के टूर पे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे, आज भी शाम तक होंगे। दूसरा, मुझे यहाँ पे इतने शुक्रिया अदा करने हैं कि शायद मेरी बात इसी में ख़त्म हो जाए। मुझे यहाँ पे अपनी फील्ड का, अपनी टीम का और बहुत शुक्रिया अदा करना है कि जिस शानदार तरीके से कोविड के दिनों में 2020 में राइट फ्रॉम मार्च 22nd टू ऑनवर्ड राइट टिल नाउ जिस तरह ये काम कर रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि ये बड़ा रिस्की काम है, लेकिन भारत मेरी गुजारिश रहती है, हमेशा कहता रहता हूँ एहतियात बरतें जितनी पॉसिबल हो सकता है, और मेरी टीम ने जिस तरह काम किया और जितना शानदार काम किया, परसेंटेज इंक्रीज भी ओवर लास्ट ईयर, बजट के ऊपर, पीए के ऊपर जितना शानदार काम किया, आई सल्यूट यू ऑल। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे लाइफ टाइम MDRT हमारे फरहान यासिन बैठे हैं, इनका शुक्रिया अदा करूँ और इनके टीम का कि इन्होंने बहुत शानदार काम कर रखा है सो फार, ही इज नंबर वन इन द रीजन और बहुत शानदार। कल भी बात हुई कि बजट को अपने पिछले साल के बेस को क्रॉस कर चुके हैं और आज मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, जितनी भी शुक्रिया अदा करूँ, तारीफ करूँ रेहान जाहिद टीम की और अश्विन टीम की, उतनी ही कम होगी। इन्होंने इनमें से 90% लोग सर अपने अपने पिछले साल के बजट अचीव कर चुके। जैसे कि आफ्ताब ने अपनी बात में कहा, कल भी मैंने बताया, महा पीए में सेंट्रल रीजन ने हिस्टोरिकल काम किया वो लास्ट 4-5 ईयर्स। मैं तासीर यूसुफ मखदूम का वो दौर निकाल देता हूँ जब पीए के ऊपर प्रॉपरली काम होता था, देर आफ्टर बीच के पीरियड में पीए के ऊपर ऐसा काम ना हो सका अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन जैसे आप आई, आप तशरीफ लाई और देर आफ्टर जब पीए पे फोकस किया तो पीए पे शानदार काम सेंट्रल रीजन ने करके दिखाया और आफ्ताब ने राइटली सेड कि इंशाल्लाह हमारा काम बताएगा हमने कितना अच्छा काम इस पे, जब क्लोजिंग होगी तो यू विल सी द डिफरेंस कि कितना अच्छा फिगर होगा। आई एम 100% कॉन्फिडेंट और अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद हूँ हम अपने बजट को हिट कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पे शुक्रिया अदा करना है अपने सपोर्ट स्टाफ का, ने मैनी और वो फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, उकाड़ा में है, कसूर में है, लाहौर में बैठे हैं, जेवस रोड पे बैठे हैं, पैकेजेस में बैठे हैं, एवरी वन इज डूइंग हिज बेस्ट इन हिज ओन कैपेसिटी। और अगर मैं आखिर में जो सबसे बड़ा शुक्रिया मुझे अदा करना है वो यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा है मसूद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोग्राम के तहत जब ASD और UND को यहाँ पे शिफ्ट किया गया और यकीन जाने ये कोई नो फ्लैटरिंग एट ऑल जीरो प्रॉब्लम पे काम चल रहा है, कोई कसर नहीं है। आपका और आपकी टीमों का दिल से शुक्रगुजार हूँ, यू पीपल आर डूइंग रियली वंडरफुल। हमारे केसेस जाते हैं, रिक्वायरमेंट तो आपको सबने मुकम्मल करनी है, वो तो मेरी टीम ने मुकम्मल करनी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, फौरन अंडरराइट होते हैं। ASD में डेली शाम को मुझे रिपोर्ट आ रही होती है, इतने रिपोर्ट लगते हैं, जो फाइलें जाती हैं, जो लगने वाली होती है शाम को लग जाती है, 99% है लगने कोड इशू होने के रेशो, 99% 1% वो फाइल है जो टेक्निकल रीजन से किसी वजह से किसी रिक्वायरमेंट की वजह से रुक जाए तो रुक जाए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का। मैं समझता हूँ इससे आला परफॉर्मेंस UND की और अंडररेटिंग की मैंने 38 ईयर्स में इससे फास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखी। ऑफकोर्स कुछ इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं,
जैसे मैं मौसम साहब कई दफा पहले ऐसा कर चुका सर कि ये जो रिवाइज कोड इशू होने का फॉर्मेट है जिसमें सारे चैनल को दोबारा कोड इशू होने, ये एक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल फ्लॉ है। सम टाइम इंशाल्लाह इस पे भी कंट्रोल हो जाएगा और आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहते हैं अगले साल इसका कोई ऐसा सिस्टम निकल आएगा कि ये कोड इशूस जो है वो लोगों के कोड इस तरह फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज हुआ करेंगे और जो चेंज हुआ करेंगे वो सिस्टम से फौरन हो जाएगा। मुझे यहाँ पे दिसंबर के रेफरेंस से बात करने से पहले मैं एक दो और अनाउंसमेंट भी करना शुक्रिया अदा करना चाहता सर आपका कि जितने हमारे प्राइसेस थे सोफा वो हमने फाइनल कर दिए 2020। फॉर इंस्टांस उमरा कॉन्टेस्ट पेंडिंग में था वो हमने पे ऑफ कर दिया ड्यू टू कोरोना में उन्हें नहीं ले जा सके। गोल्ड कॉइन कॉन्टेस्ट था हमने गोल्ड कॉइन बन गए हैं कराची पहुंच गए हैं इंशाल्लाह आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वीक टाइम में यहाँ आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर ही वो आपको दे देंगे और उसका आपका बहुत शुक्रिया सर। वी आई पी हमारे जितने पेंडिंग वी आई पी थे जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो सारे के सारे मुकम्मल कर रहे हैं। परसों हमने फैसलाबाद में वी आई पी डिनर किया था एक बड़ी टीम के साथ रात वी आई पी के शुरुआत थे मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने वी आई पी डिनर क्वालिफाई किया और रात को अटेंड भी किया। अभी हम कल जा रहे हैं मुल्तान में वी आई पी है और फिर दो वी आई पी हमारे पास छोटे छोटे हैं वो भी इसी महीने में हमें पॉइंट अप करने हैं एक उकाड़ा की टीम का एक कसूर की टीम तो वो भी हमें इसी महीने तो हमारे पास कोई लेफ्ट ओवर कॉन्टेस्ट ऐसा नहीं रह जाएगा। इसके बाद एक बड़ा कॉन्टेस्ट पिछले साल का लेफ्ट ओवर है जिसकी तैयारी किए हुए स्टाफ अभी वो हम उसे करने जा रहे हैं थोड़ी देर में वो है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट और वो भी करने। मैं ये समझता हूँ मास्क प्लीज लगा ले सारे मास्क लगा ले एक मैं इस बी पी ए कॉन्टेस्ट हम करने जा रहे हैं थोड़ी देर में लकी ड्रॉ करने जा रहे हैं इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पानी वाफर मट्टी जरखेज मौसम अच्छा पानी वाफर मट्टी जरखेज जिसने अपना खेत का सिंचा वो कैसा देखा कि सारे काम हो गए तमाम प्राइजेस दे दिए गए तमाम कॉन्टेस्ट की एग्जीक्यूशन हो गई तमाम मामला हो गए मीटिंग्स हो गई इसके बाद अब फाइनल इनिंग्स खेलने के लिए मेरी टीम भरपूर तैयार है पूरी तरह से एवर बेस्ट। मैं आज 10th ऑफ दिसंबर को ये बात बता रहा हूं सर आपकी मौजूदगी में अनाउंसमेंट कर रहा हूं एवर बेस्ट दिसंबर ये टीम क्लोज करने जा रही सेंट्रल एवर बेस्ट। इस नामुसाइद हालात में इस बुरे कोरोना के मर्ज के दौरान इतनी बड़ा कारोबार ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट इंशाल्लाह दिस इंशाल्लाह दिस। अब मेरी छोटी छोटी अपनी टीम को गाइडलाइंस है जहां हफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक मास्क लगा के सैनिटाइजर यूज करते हुए आप सुबह निकले रात तक काम कर रहे होंगे वहां पे आपको छोटी छोटी टिप्स राइटली सेड माहम के हमारे बैग में हमारी किट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और नीड टू नो बेसिस के ऊपर हम उसे टेलर मेड जैसे कहते हैं दे सकते हैं ऑफर कर सकते हैं लो इनकम ग्रुप को हम पीए की बात से बात शुरू कर सकते हैं आगाज कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट भी सेवर जैसी भी हमारे पास मौजूद है। और दो प्रोडक्ट का मैं बार बार जिक्र करता हमेशा जिक्र करता और निजी मुलाकातों में मीटिंग्स में वन ऑन वन में ग्रुप्स में के दो प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएट करती है हमें मार्केट से Vitality and PA किसी कंपनी के पास ऐसा नहीं ये एडवांटेज है वो टीमें वो लोग जो अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं वो ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। ये आपके आपकी स्ट्रेंथ है कि किसी के पास Vitality नहीं है किसी के पास PA नहीं है इस पर थोड़ी सी फोकस करें यू विल एंजॉय लॉट आप ज्यादा बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। ये आपका फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी है और आप देखेंगे कि फ्यूचर में आईजीआई सारी कंपनीज को पीछे छोड़ जाएगी क्योंकि ये फोकस जब हमने कर लिया जब आप अगले साल में एंटर होंगे तो यू विल सी दैट हमारी सेल्स पॉलिसी के अहम जो चैलेंजेस हैं उसमें पहले दो चैलेंजेस Vitality और पीए होगा और यू विल फील कि हर चीज उसके साथ अटैच होगी और उस पर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह। एक बात और जब आप फर्स्ट ईयर कर रहे होंगे
आप रिन्यूअल प्रीमियम भी कलेक्शन करते हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, कोई इंश्योरेंस सेल्समैन सर्वाइव ही नहीं कर सकता जिसकी परसिस्टेंसी कमजोर है। नो वन कैन सर्वाइव, क्योंकि असल गेम परसिस्टेंसी खाली पैसों के लिए नहीं होती, परसिस्टेंसी होती है क्लाइंट्स को होल्ड करने के लिए। जब आप क्लाइंट्स को होल्ड करते हैं तो आप सर्विस एक्सटेंड कर रहे होते हैं, जब सर्विस एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो आपको वहां से नया बिजनेस भी आ रहा होता है, पुराने बिजनेस के तो आपको कमीशंस मिल रहे होते हैं, ओवरराइड्स मिल रहे होते हैं, रिन्यूअल कमीशंस मिल रहे होते हैं, वहां से नया बिजनेस भी जनरेट हो रहा होता है। और ये इस वक्त वार्म मार्केट है। आप देखें, मैं कल डेविसो पे भी बात कर रहा था कि इसकी दो रीजंस हैं, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल। टेक्निकल रीजन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है मुल्क में लास्ट क्वार्टर में, ड्यू टू कैश क्रॉप्स, एग्रो बेस्ड कंट्री है, आउट ऑफ फोर मेजर क्रॉप्स थ्री क्रॉप्स इस सीजन में आती है और उसका रुपया मार्केट में आता है और उसको वो हर फील्ड में जा रहा होता है। बैंक्स भी ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कलेक्ट करेंगे, आप भी करेंगे, और कारोबारों में भी जाएगा पैसा। दूसरी साइकोलॉजिकल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि वो एक जो बड़ी मशहूर कोटेशन है, थॉट्स बिकम थिंग्स, थॉट्स बिकम थिंग्स। इस फिलॉसफी के ऊपर एक मशहूर जमाना फिल्म सीक्रेट के नाम से भी बन चुकी है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे जो चीज सेल्समैन या कोई शख्स कंसीव कर लेता है, सोचता है, वो हो जाता है, वो कर लेता है। इंसान ने सोचा कि सवारी का मुतबादल कोई होना चाहिए तो जहाज बन गया था वीर जब के बाद, जो जो इंसान ने सोचा वो बन गया। कल को आपको जो इंसान पत्तों से तन ढांपता था उसने कहा यार ये कपड़ा ही बन गया तो अच्छा है, तो ऐसी चीज बन जाए, कपड़ा का नाम तो नहीं होगा ऑफकोर्स, तो जो मुश्किल हो तो इंसान ने कपड़ा इजाद कर दिया। बनी लो इंसान ऐसे ही हुआ, इंसान नंगे पांव फिरता था, उसे तकलीफ होती थी, उस तकलीफ की अल्टरनेट सोचा, जूते बन गए उसके। तो जो चीज आप सोचते हैं वो हो सकती है, जो सोचते नहीं है वो हो नहीं सकती। तो जो एजेंट सोचता है मैंने कामयाब होना है वो कामयाबी, आफ्ताब ने आगाज में एक बात की कि 90% ये क्लैप से उसने कहा कि कुछ लोगों की बहुत अच्छी थी और कुछ की कम थी, तो नेचुरली मैं ये समझता हूँ कि सारों के एक जैसे अचीवमेंट भी नहीं होगी। जो ज्यादा पुरजोश है अपने अचीवमेंट को लेके, अपने टारगेट्स को लेके, ज्यादा सोचते हैं अपने टारगेट्स के ऊपर, ज्यादा गौर करते हैं, उनके उन्हें रास्ता मिल जाएगा अचीव करने का। जो कम सोचेंगे उसे कम मिलेगा। और हमने 37-38 साल से ऐसे ही देखा, 38 दिसंबर देखे सर, मैं मुसद्दा बदर तशरीफ लेके, मैं एक बात, मैंने दिसंबर के महीने में भी ऐसे लोग देखे जो दिसंबर एंड के ऊपर मायूस थे, लेकिन उनकी तादाद बड़ी थोड़ी थी ना होने के बाद। जैसे रहमतों के महीने में भी कुछ लोग रह जाते हैं रहते समेटने से, दिसंबर जैसे महीने में भी ऐसे एजेंट मिल जाएंगे जो क्योंकि सर्दी बड़ी थी, काम नहीं हो सकता, मौसम खराब, हालात अच्छे, लेकिन 90% से बाकी बिल्कुल तारीख बदलते हुए, लोगों की तकदीरें बदलते हुए, लोगों के मुकद्दर बदलते हुए दिसंबर के एक एक महीने की इनकम से लोगों ने बच्चों की शादियां की, लोगों ने गाड़ियां खरीदी, लोगों ने घर बनाए, लोगों ने अपने फाइनेंशियल मसाइल हल किए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे चीजों, प्लीज चंद दिन, 21 days आर लेफ्ट ओनली, अगर आप चाहो तो आप एक साल से ज्यादा का काम कर सकते हैं इन दिनों में, निकलने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं टेबल टर्न हो चुकी है, टेबल टर्न हो चुकी है, बस आपके आपके निकलने की देर है और वो रिजल्ट्स आएंगे। मैं आज इतने बड़े मजमे में बता रहा हूं कि जो कभी आईजीए की हिस्ट्री में ऐसे रिजल्ट्स नहीं आए। थोड़ा सा एजेंडा लंबा है, मेरी बातें तो
खत्म नहीं होनी, मुझे और भी बड़ा दिल करता है, लेकिन मोहसिन साहब की बातें सुनी और फिर हमने कुरानदाजी पे जाना, टाइम जो है वो काफी हो गया। विद ऑल दिस थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपके घरों में खुशियां लाए, आपके बयान लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जा रहे हैं कि तीन चार निशान इकट्ठे पंडाल में निशान में, लेकिन क्योंकि वक्ती ताकत ऐसी है कि मुझे आपके और हमारे सीनियर के दरमियान भाई नहीं होना, तो मैं गुजारिश करूंगा और आप भरपूर तालियों में बता दीजिएगा कि दिसंबर है। दिसंबर के हवाले से जितने साहब बात कर रहे थे कि 90% वो होते और 10% वो होते जो के मायूस होते हैं, तो उन मायूसों के लिए मैं अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जुबिल साहब के बिहाफ पे जो अपना दरवाजा कभी बंद नहीं रखते, मैं बिल्कुल ऐलान कर रहा हूँ कि 24/7 हमारी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की हमारे रास्ते आपके दरवाजे आपके खुले हैं। कोई शख्स अगर आज के दिन भी मायूस है तो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे वो आ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला जो भी आएगा वो कभी मायूस नहीं लौटेगा और दिसंबर के एंड पे इंशाल्लाह ताला अचीवमेंट्स के साथ वो अपने अपने सीट्स पर मुस्कुराते चेहरे के साथ जीते हुए लोगों के साथ खड़ा होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे चीफ हेड ऑफ एजेंसी सेल्स जनाब मोहसिन अब्बास साहब, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त, दिसंबर मुबारक, दिसंबर मुबारक, दिसंबर मुबारक, माशाल्लाह देखिए बेहतरीन गुब्बारों से सजाया हुआ इस दफ्तर को और बिलीव करें कि हर शख्स इंतहाई मोटिवेटेड है। आज जमील साहब की गुफ्तगू भी इस बात का अक्स थी कि ये कितने ज्यादा मोटिवेटेड है। थैंक यू वेरी मच अमित साहब, बड़ा अच्छा आज मंजर है और अच्छी मोटिवेशन नजर आ रही है। अजीजा ने मोहतर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा याद कर रहा हूँ 2016 को, जब 2016 में मैंने आई जी लाइफ को ज्वाइन किया तो कहा जाता है कि सर बुलाते ही कोने पड़े, और नॉर्थ में मैं था और नॉर्थ में तकरीबन तमाम के तमाम लोग जो थे सीनियर लोग थे वो आई जी आई को चुन गए उस ज़माने में और उन्होंने दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 2-3 महीने के बाद सेंट्रल भी खाली हो गया और यहाँ भी लोग सारे चले गए और सेंट्रल से भी लोग खाली हो गए, ये चार भी मेरे पास आ गया। और फिर कुछ अर्से के बाद जनाब जमील साहब ने माशाल्लाह से सेंट्रल का चार्ज लिया। मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त हार्डली हमारे पास जो लोगों की तादाद बची थी एजेंट्स के समय, वो हार्डली पूरे पाकिस्तान में कोई 350 के करीब थी। कराची भी खाली हो चुका था और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। याद रखिए 2014 में आईजीआई ने एक्वायर किया था मेटलाइफ एलुमिनियम के तमाम ऑपरेशन को और 2016 में ये हमारे साथ हादसा पेश आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का लाख लाख करम है कि इस वक्त आईजीआई लाइफ वर्टिलिटी और तकाफुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। पिछले वर्ष आईजीआई ने जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम किया था वो टोटल 315 मिलियन था और हम नीचे शुमार होते थे तमाम कंपनीज में, तकरीबन हम 3-4 कंपनी के बाद आ रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई है कि इस वक्त तक तकाफुल की टीम 286 मिलियन का बिजनेस कर चुकी है, जनाब जोरदार साहब उसकी क्यादत कर रहे हैं और बाकी मेरे रीजनल हेड्स जो काम कर रहे हैं वो 370 मिलियन का बिजनेस हो कर चुके हैं। आप फिर देख रहे हैं लास्ट और मजमूई तौर पर हम जमीन साहब मैंने हिसाब लगाया 650 मिलियन का बिजनेस आईजीआई कर चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह 350 मिलियन का दोनों हमारे जो ग्रुप है वो करेंगे और अब इस दफा 1 बिलियन का रिकॉर्ड करने के लिए जाए 1 बिलियन का। मुझे जहां जहां से मैं प्यार
नाथ से होकर आ रहा हूँ, बाकी तमाम जगह से होकर आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार किस्म की रिस्पॉन्स है और हर शख्स के साथ बड़ा ही मोटिवेटेड है। अभी तक जो बिजनेस के सबमिशन है बहुत शानदार है, अभी जिसे कहते हैं कि वो आस्ता आस्ता मामला चल रहा है। ये हैरत अंगेज बात है, 38 ईयर्स, यानी जमील साहब की उम्र ये 38 क्लोजिंग है लाइफ इंश्योरेंस के प्रोफेशन में, 38, और आईआईएम में मेरी पांचवी क्लोजिंग है और जमील साहब की चौथी क्लोजिंग है। आप ये देखिए कि जितना बिजनेस पूरे साल का होता है उसका 40% बिजनेस सिर्फ दिसंबर में हुआ करता है। बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की हमारे स्टेट लाइफ के चेयरमैन थे जनाब समीर हसन साहब, उन्होंने तासीर हुसैन मखदूम साहब के साथ मिलकर एक सिलसिला बनाया, क्वार्टरली क्लोजिंग का सिलसिला किया, और उनका जी अब इंशाल्लाह ताला अब लोग मजबूर हो जाएंगे, इंसेंटिवाइज कर दिया कि अब लोग हर क्वार्टर में बिजनेस करेंगे। क्वार्टर तो मजबूत हुए हुए, दिसंबर वही का वही खड़ा, और यहाँ आईजीआई में भी ये है, लास्ट ईयर भी 310 मिलियन के बिजनेस के बाद दिसंबर में हमने 100 मिलियन का बिजनेस किया था। हमने भी बहुत खूबसूरत बात की जमील साहब ने कि इस महीने में हो के जा रहा है। देखिए एक एक शख्स जो सब मार्केट में मौजूद है वो क्लाइंट से जाके मिल रहा है, मुख्तलिफ कंपनी के लोग जाकर मिल रहे हैं। अच्छा, क्लाइंट के दिमाग में भी, लोगों के जहन में भी बात पड़ी होती है, शुरू से दिमाग में उनकी ये पैवस्त हो चुकी है बात कि भाई पॉलिसी करानी तो दिसंबर में करवानी, और दिसंबर में करवाएंगे तो पूरे साल का बोनस मिलेगा। हालांकि पॉलिसी तो अभी शुरू हो रही है, लेकिन लोग जो है जनवरी वाले भी टालते हैं, फरवरी वाले भी टालते हैं, जून वाले भी टालते हैं कि दिसंबर में पॉलिसी करवाएंगे। आम दिनों में किसी से 5 मरतबा बात करनी पड़े तो पॉलिसी क्लोज होती है, इन दिनों में सिर्फ 1 दफा आप किसी से बात करेंगे गारंटी से कर वो पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। और दूसरी बात में एक बात बता दूं, आम दिनों में हमें बड़े तरीके से चलना पड़ता है कि भाई अगर किसी के पास फरहान यासीन साहब गए हैं तो अदनान असलम साहब प्लीज उसको डिस्टर्ब ना करें, किसी के पास रिहाद जायद गए तो फरम साहब प्लीज आप जाके उसकी पॉलिसी ना करें बल्कि उसको छोड़ दें। इन दिनों में भाई वक्त ही नहीं है, जो जाए पता चला कि किसी और ने बात की है पॉलिसी आप क्लोज करें, और यही मुमकिन आपके साथ हो सकता है कि आप किसी से बात करके थोड़े से ढीले पड़े तो वो शख्स दूसरा जाके उसकी पॉलिसी कर ले। इस वक्त सोने का टाइम नहीं है, इस वक्त आराम करने का टाइम नहीं है, यह हमारा सीजन है। जब रमजान आता है तो दर्जी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, कसाई ईद बड़ी ईद वाले दिन बिल्कुल 1 गाय 2 गाय 10 गाय वो लगे रहते हैं रात तक और वो अपना काम कर रहे होते हैं। हमारा भी सीजन है, इस सीजन के अंदर जितना वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं हम करें। बस हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और ये जो मुझी मर्ज फैला हुआ है अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे, और आप भी एहतियात करनी है कि खुदा ना खास्ता इन दिनों में किसी को कुछ हो जाए तो 15 दिन तो उसके मिनिमम चले गए, तो फिर उसके बाद उसके पास टाइम कोई नहीं बचेगा, हम एक दिन भी जाया नहीं कर सकते। अजीजाने मोहतरम, बड़ी खूबसूरत बात जमील साहब ने कही है कि इस वक्त बेहतरीन तरीका हमारे पास ये है कि हम हर क्लाइंट से रابطہ करें, अपनी लिस्ट में अपना पोर्टफोलियो सारा निकालें, जितनी भी पॉलिसियां हमने कर रखी हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उनसे दोबारा मिलें, अगर उनका सेकंड ईयर ड्यू है तो उनसे सेकंड ईयर कलेक्ट करें, अगर उनका रिन्यूअल ड्यू है तो उनका रिन्यूअल ड्यू उनसे कलेक्ट करें, अगर उनका कुछ भी ड्यू नहीं है वैसे ही उनको विश करें, उनको तैयारी करें कि उनको मुबारकबाद दें, उनसे रेफरेंस लें, उनसे रेफरेंस भी मिलेंगे आपको और नई पॉलिसी भी मिलेगी। मैं आपको यकीन करें कि ये दिन जो है इसके अंदर जितनी बरकत होती है जिसके इंतजार कुछ नहीं। मैं एक और आम बात कहा करता हूं, अगर कोई शख्स बिलाल साहब पूरे साल में नमाजें ना पढ़े लेकिन सिर्फ रमजान में नमाजें पढ़े तो बख्शिश का इम्कान है? बिल्कुल है। खुदा ना खास्ता पूरे रमजान में नहीं पढ़ी, आखिरी 10 दिन में नमाजें पढ़ी, अदनान असलम साहब माफी का इम्कान है, और पूरे साल नहीं पढ़ी, पूरा रमजान नहीं पढ़ा, उस एक रात में जो 1000 रातों के बराबर रात है उसमें जाकर इबादत की, आंसू बहाए, नमाज पढ़ी और अपने गुनाहों का इतराफ किया, माफ करने वाला अल्लाह का है कि नहीं? बेशक। बस हम उसी से मुतासर होकर काम कर रहे हैं। अगर पूरे साल हमने काम नहीं किया कोई बात नहीं, दिसंबर में कर लो, दिसंबर में पूरे नहीं किया चलो आखिरी 10 दिन में कर लूंगा, आखिरी 10 दिन में रमजान नहीं किया,
अगर एक रात जो हमारी दिसंबर की एक रात है वो साल के 365 दिनों के बराबर रात है, अगर उसमें हम काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे साल की फसल पूरी होगी इंशाल्लाह। सेकेंडरी परसिस्टेंसी हमारी बका, हमारी रगों में दौड़ता हुआ लहू है। अगर सेकेंडरी परसिस्टेंसी नहीं है और रिन्यूअल परसिस्टेंसी नहीं है, हमारा क्लाइंट मुतमईन नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इन दिनों में आपको, ये हमारा ईद का महीना है, सेलिब्रेशन का महीना है। हमारे खानदान के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी हमारे एजेंट्स हैं, उनको लाने, रूठे हुए एजेंट्स जो हमसे रूठ कर चले गए, हमारी कंपनी को छोड़कर चले गए, ये जो पूरे साल में 11 महीने काम नहीं कर रहे, उनको आपने बुलाना है। उनके सर्वाइवल की भी जरूरी है, आप लोग के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। उनको बुलाए, उनसे बात करें, उनके साथ उनको चाय पिलाए, उनको खाना खिलाए। और मैं दूसरी बात कहा करता हूं कि जो मेरा एजेंट है ये बहुत फ्रेजाइल है, खुदा की कसम सलाम पेश, तो हम इस मंजिल से गुजर के आए हुए हैं, हम भी एजेंट बने थे ना, तब हमारे रिजल्ट आए थे। याद रखिए, जिस एजेंट के पास बिजनेस होगा और आपके 12 बजे भी आपको कॉल करेगा, सर मुबारक हो, मैंने एक पॉलिसी कर ली है। लेकिन जिसके पास बिजनेस नहीं होगा, वो पैकेजेस के सामने से गुजरेगा, झांक कर देखेगा, जमीन सब तो नहीं देख रहे, और चला जाएगा। तो जो भी इस दफ्तर में आए, प्लीज उससे बिजनेस का ना पूछे, उसका हाल पूछे। बिजनेस हुआ आपको खुद बता देगा, उसकी एक्टिविटी पूछे, उसको दिलासा दें, उसको चाय पिलाएं, उसको पानी पिलाएं, उसकी उदासी को दूर करें। आप यकीन करें, जब तक हमारे रिलेशंस मजबूत नहीं होंगे, उस वक्त तक हम काम नहीं कर सकते। हमें खानदान की तरह मिक्सअप हो, एक दूसरे का ख्याल करें, मोटिवेट करें। मैं तो ये भी कहा करता हूं कि पॉलिसी होने पर तो सब सेलिब्रेशन करते हैं कि मुबारक हो, ग्रुप में आ गया जी मुबारक हो, अदनान ने इतनी पॉलिसी कर ली, रेहान ने इतनी पॉलिसी कर ली, बिलाल ने इतनी पॉलिसी कर ली, खुरम ने इतनी पॉलिसी कर ली, वो तो है। लेकिन अगर किसी का काम ना हो ना, उसको भी इंजॉय करें। हमारे एक दोस्त कहते हैं, मैं तो इसको ऐसे इंजॉय करता हूँ कि जब हम बैठे होते हैं, जब पॉलिसी नहीं होती, क्लाइंट से किसी किस्म की बंजबारी होती है, तो वहां पर बात कहते हैं, यार अल्लाह की कसम इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, क्लाइंट ने बड़ी बेइज्जती की थी, क्यों? उसको भी इंजॉय करते हैं कि यार देखो बेइज्जती क्यों हुई, इसलिए कि हमने प्रेजेंटेशन ठीक नहीं की थी, इसलिए कि हम ठीक तौर पर पिच नहीं कर सके थे, इसलिए कि हमने बात ठीक नहीं की थी। अब इसको अवॉइड कैसे कर रहे हैं, इसको अपनी आपको दुरुस्त करके कर रहे हैं। अजीजा ने मतलब बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत बात जमील साहब ने एक और कही कि देखिए, हमने भी कही पीए की पॉलिसी जबरदस्त, नो डाउट आज भी आपको अंदाजी कर रहे हैं, लेकिन ये पीए की प्रोजेक्ट की नहीं है। आपको प्राइसेस वगैरह मुख्तलिफ वो भी देंगे, अभी इंशाल्लाह ताला वो भी मिलेंगे जो पीए के आपके प्राइसेस है। ये छोटे छोटे प्राइसेस होते हैं, कुछ की चैन होती है, कोई पैड होता है, कोई कैप होती है, कोई वैलेट होता है, कोई फोल्डर होता है, तो इससे आपको फायदा रहता है। अभी 4 बाइक्स की कुरानदाजी भी रहती है जो आपने की थी, वो भी इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे जल्दी कर लें, उसका भी रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। पीए का प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है और इस प्रोडक्ट को हमें कैश करना। दूसरी बड़ी खूबसूरत आपके पास जो है वो वाइटेलिटी, किसी कंपनी के पास वाइटेलिटी का प्रोडक्ट नहीं है। अगर किसी का आप अगर किसी को दूसरा को प्रोडक्ट पिच करेंगे तो कहेगा अच्छा जी मैं इस कंपनी से पूछूंगा, इससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा, लेकिन वाइटेलिटी का तो कोई कंपेरिजन नहीं है। वेरी सिंपल, कितना जबरदस्त प्रोडक्ट हमारा है, क्या है कि सिर्फ 50,000 रुपए का प्रीमियम देने के बाद, 50,000 का प्रीमियम देने के बाद आप सिर्फ अपने स्टेप्स को पूरे करें, 7,500 स्टेप्स करने हैं, और अगर वो आप टारगेट पूरा करते हैं, वीक का टारगेट पूरा करते हैं, तो वीक के बाद आपको 500 रुपए का कूपन मिल जाता है फूड पांडा का, या आप क्या लेते हैं, इजी टिकट ले लेते हैं, या आप मोबाइल टॉप अप लेते हैं। अगर 52 हफ्ते तक मैं अपने आप को मेंटेन करूं, 52 वीक्स तक मैं एक्सरसाइज करूं, मेरी सेहत ठीक होगी, तो फिर क्या बेनिफिट मिलेगा, साल के 52 हफ्ते 26,000 मुझे वापस आ जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, 26,000 50,000 मैंने दिए पॉलिसी के लिए और 26,000 मेरे पास वापस आ गए। यही बात खत्म नहीं हुई, अगर आपने वॉच ली हुई है जो मार्केट में 60,000 की होती है और हम 42,000 हमारी जो पॉलिसी करवाएगा उसको 42,000 रुपए की मिलती है, अगर 42,000 रुपए की वो वॉच लेते हैं और अपना मंथली टारगेट आप पूरा करते हैं तो 21,000 रुपए साल का आपको वहां से भी रिटर्न होगा। 26,000 मिल गए, 21,000 खर्चों में कितने आ गए, 47,000 50 आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, 47 आपको वापस मिल रहे हैं। और अगर आप साधारण टारगेट पूरा कर रहे हैं
और प्लेटिनम स्टेटस को आप एंजॉय करते हैं, तो आपको 18% का एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलता है। ये कितनी जबरदस्त बात है। और एक और बात, सिर्फ एक जो स्टेट लाइफ के अलावा कहीं पर भी जब पॉलिसी होती है तो उसमें स्टेट लाइफ में भी इवन अगर किसी की डेथ हो जाए तो क्या होता है, उसको सब कवर मिलती है और जितने अरसे का बोनस है वो मिलता है। मैं स्टेट लाइफ की बात करूं, बाकी तमाम कंपनीज में इंक्लूडेड हमारी कंपनी में भी वाइटेलिटी के अलावा अगर किसी की डेथ हो जाए तो सब कवर आर अकाउंट वैल्यू जो भी ज्यादा वो अदा होती है। लेकिन वाइटेलिटी में कमाल देखें, खुदा ना खासा क्लाइंट की यहां डेथ हो जाए तो ना सिर्फ उसको सब कवर मिलती है बल्कि जो पैसे उसने उस अकाउंट वैल्यू बनती है, यानी जो पैसे उसने डाले हैं उस पर जो रिटर्न आया है वो भी मिलता है, दोनों बेनिफिट मिलते हैं। ये किसी के नंबर पॉलिसी में कहीं पर भी हुआ करता है, इसके लिए कोई खुशी नहीं हुई, जबरदस्त कवरेज। आप सोचेंगे इतनी इनादे क्यों हो रही है, तो मैं पहले अर्ज कर लूं कि ये कंपनी अच्छे काम भी करती है। ये जो वाइटेलिटी का साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्टेक्ट किया है उस हवाले से, ये खूबसूरत बात है कि इसको पाकिस्तान में सिर्फ आईजीआई को ही मिला है और हम लोगों की सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। लिहाजा जब लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उनको उनको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उनको शुगर नहीं होगी, उनको कोई पेट की बीमारियां नहीं होगी, तो उससे क्या फायदा होगा, उनकी जिंदगी तभी होगी, डेथ क्लेम नेचर के कम आएंगे और कंपनी यहां से अपनी सेविंग कर सकती है। तो ये एक मकसद हमारा है। आईजीआई लाइफ को इस बात का बड़ा फखर है कि चाहे मैच्योरिटी क्लेम हो, चाहे कोई डेथ क्लेम हो, ये चाहे कोई सरेंडर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विसेज एग्जेम्प्टरी है। हमारा सब इसलिए एग्जेम्प्टरी है कि हम किसी की पॉलिसी उस वक्त तक जारी नहीं करते जब तक सीबीसी क्लियर ना हो जाए। सीबीसी क्या होती है कि जब आप पॉलिसी दाखिल करते हैं तो क्लाइंट को हमने कॉल करनी होती है, आईजीआई से कॉल होती है और यह कहा जाता है कि जनाब फोन होता है, अस्सलाम वालेकुम, मैं आईजीआई लाइफ की तरफ से बोल रहा हूँ, जी आफताब साहब बात करें, जी आफताब साहब आपकी नई पॉलिसी के सिलसिले में बात करनी है, क्या बात हो सकती है, तो आप साफ साफ जवाब देंगे जी बात हो सकती है, जी प्लीज अपने शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक करवाइए, नंबर वन। नंबर दो, आप अपनी वालदा मोहतरमा का नाम प्लीज बताएंगे, तो वालदा मोहतरमा का नाम क्लाइंट को सही आना चाहिए क्योंकि अब्बा जान प्यार से अम्मी को कुछ भी कुछ कहते हैं, नाम पर भी होकर पीरू कहते हैं, हमें पता ही नहीं, हमें अगर पूछेगा कोई कहेगा जी के जी गांधी वालदा का नाम, मेरी वालदा का नाम पीरू है, तो वो कॉल फेल हो जाए। लिहाजा क्लाइंट को बता दें कि असल नाम बता दें, फिर आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस भी सही आपको होना चाहिए जो एप्लीकेशन में लिखा है, फिर कितने पैसे अदा किए, कितना कितने पैसे आपने दिए कि जी 50,000 दिए, कैश दिया या चेक दिया, तो आप बता दें पेआर्डर दिया या चेक दिया या कैश दिया, आप साल में कितनी मरतबा पेमेंट करेंगे, तो आप बताएंगे साथ में एक मरतबा ईयरली पॉलिसी है या हाफ ईयरली पॉलिसी है, आप कितने साल तक पेमेंट करेंगे, 5 साल तक करेंगे या 10 साल तक करेंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद ये कहा जाएगा कि आपकी पॉलिसी 8, 10 और 12% की प्रोजेक्टेड वैल्यू पर बनाई गई है जो गारंटेड नहीं है, तो क्लाइंट को पहले से बता दें कि भाई ये गारंटेड का मतलब ये नहीं कि खुदा ना खासा आपकी सारी रकम की गारंटी नहीं है, बोनस का जो रिटर्न का रेट है वो 8% भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, इस वक्त जैसे हमारा सिक्योर है उसमें रिटर्न तो 12% लोगों को बता रहे हैं 8 से लेकर 12 तक, लेकिन इस वक्त जो रिटर्न कंपनी का चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह 16% चल रहा है जो तमाम इन्वेस्टर्स से ज्यादा है। तो क्लाइंट को इस बात से मुतमईन हमने करना है, उसको हमने समझाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर साथी करेगा, प्लीज इस बात में एक बात का जरूर ख्याल करें, एक बहुत बड़ा जुर्म हमारे कुछ लोगों ने किया और बड़ी मुश्किल से मैंने भी बचाया, कंपनी इस एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, पॉलिसी मेरी है, पॉलिसी मैं क्लाइंट हूं और एजेंट ने अपना नंबर दे दिया कॉल वेरिफिकेशन के, और अभी एक केस पकड़ा गया एक पॉलिसी के लिए एक ही नंबर से 7 लोगों ने अपने कॉल किया और एजेंट निकला। मैं आपको बता रहा हूं अगर किसी ने गलत नंबर दिया और वहां से कॉल हो गई
और कंफर्म हो गया कि इस आदमी ने, इस एजेंट ने गड़बड़ की है, तो उस एजेंट का जब हमारे साथ चलना नामुमकिन है, कंपनी इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कर देगी। क्लाइंट से हम हजार जगह हमारे पास क्लेम आते हैं, हर आदमी कहते हैं मुझे तो ये बताया गया था, मुझे तो ये बताया गया था, लेकिन हम कॉल बैक कंफर्मेशन से ये बताते हैं कि जनाब आपसे ये बात हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी स्थिति में ये वकील मुसलम के पास अल्हम्दुलिल्लाह आई गई सबसे बेहतरीन कंपनी है जिसकी कम से कम कंप्लेंट से और आती भी है, तो हम उनको मुतमईन कर लेते हैं। ये आम का फखर है अल्हम्दुलिल्लाह, जब सर्विस अच्छी होती है। हमारा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह आइंदा से जितना हमारा बिजनेस होगा उसका मिनिमम हमारा प्लान है, पूरा टारगेट हमारा है कि 10% इंशाल्लाह ताला हम उस पे बिजनेस करेंगे पीए का, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हमारा कुल बिजनेस जब मैक्सिमम बिजनेस हम वाइटिलिटी में करेंगे, और हमारा ख्याल है कि 50-60% बिजनेस जो हमारा होगा इंशाल्लाह वाइटिलिटी में होगा, ये भी आप टारगेट करते हैं 50-60% जबरदस्त अंदाज में ये काम करेंगे। और आपके लिए बड़े प्राइजेस हैं, ये दिसंबर में तो आपके लिए लूट सेल है। सबसे पहला इनाम रियाज जायद, मुझे बताइएगा अगर कोई एजेंट 3 लाख का बिजनेस करे, 12 OA करे और 12 PA करे, हमने लास्ट ईयर अवार्ड नाइट नहीं की कोविड की वजह से, 28 मार्च को होनी थी, अब 2019 की और 20 की इकट्ठी अवार्ड नाइट इंशाल्लाह फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में हो रही है, उसमें लोग आएंगे, तो जो 3 लाख का बिजनेस करेगा और 12 OA और 12 BA करेगा, सेकंड ईयर परसेंटेज उसकी 80% होगी, उसके लिए क्या एजाज है, के लिए लीडर क्लब है और वो सेल्स पॉलिसी एजेंट है, उसको कहां बुलाया जाएगा, पीसी भूरबा में इनवाइट किया जाएगा, उसको वहां पर डिनर में शरीक होगा, उसको एक बैग दिया जाएगा, सेल्स किट दी जाएगी, लेकिन आना और जाना उसका अपना, ये इनविटेशन है, वैसा ही इनविटेशन है जैसा जुहेब तुम्हारी शादी पर तुमने दिया था। मोहतरम जनाब मोहसिन अब्बास साहब बरफुदारा नूर चश्मत चश्मी जुहेब असलम की शादी, चलो मुबारक हो की शादी, इस तारीख को हमने करार पाई है, आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइसे सर इफ्तिखार होगी, अपने खर्चे पे आना, अपने खर्चे पे जाना और साथ में पापा लेकर आना। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं, कि आप यहां से लेकर भूरबंद तक हमारे खर्च कंपनी के खर्चे पे जाएं, कंपनी आपको पेट्रोल दे, कभी कंपनी आपको कन्वेंस दे, वहां पर 2 रात आपको पीसी भूरबंद में ठहराएं, जिसमें 1 रात का किराया 47,000 रुपए, सुबह का नाश्ता आपको मिले, दोपहर का खाना आपको मिले, शाम की चाय आपको मिले, रात को डिनर मिले, फंक्शन में आपको बुलाया जाए, म्यूजिकल को नाइट को आप एंजॉय करें, और साथ ही स्टेज पर आपको दावत देकर 20,000 रुपए का कैश या 20,000 रुपए का मोबाइल फूंक दिया जाए। सुभान अल्लाह। उसके लिए अफताब साहब क्या करना पड़ेगा, अदनान साहब क्या करना पड़ेगा, नहीं 9 लाख 9 लाख रुपए का प्रीमियम, जिसमें 1 लाख रुपए का माही किराए, 1 लाख रुपए का पीए, 18 OA और 18 PA की पॉलिसी, मैं रिपीट कर दूं, 9 लाख का प्रीमियम, 18 PA 18 OA, 80% परसिस्टेंसी अगर एप्लीकेबल है तो, 9 लाख का उसमें 1 लाख का पीए, तो उसको लीडर क्लब का खिताब देंगे, फिर उसको जो एजाज मैंने बताया वो उसको दिया जाएगा, फिर 18 की जगह और भी है, इस हद तक 7,000 का गोल्ड सेट भी है, अगर लोग आगे जाके अपने टारगेट अचीव करते हैं, और अगर कोई साथी माहम की बातों से कुछ समझ चुके हैं और पीए की पॉलिसियां करें, टिका कर करें और करते लोग परसिस्टेंसी उनकी ठीक हो, तो फिर उसको 100 टोटल पॉलिसियां हो जाए, तो उसके लिए क्या इनाम है, उसको कहते हैं सेंचुरियन क्लब, नवीन सेंचुरियन क्लब, उसको अवार्ड नाइट में बुलाया जाएगा, उसको अवार्ड नाइट में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, चीफ के साथ फोटो खींचेगा, फ्रेम करके उसको मिलेगा, और प्लस उसको 75 IJ की वॉल क्लास दी जाएगी, जबरदस्त कोई जबरदस्त किस्म का टॉप प्रोड्यूसर है, वो बड़े बड़े छक्के लगाता है,
खुरम शहजाद की तरह 25 लाख का प्रीमियम कर ले, 12 ऑयल और 12 पीए के साथ और कंसिस्टेंसी मुकम्मल कर ले, तो क्या होगा? उसको इंडिपेंडेंट का खिताब दिया जाएगा, उसके लिए 75,000 रुपए का गोल्ड दिया जाएगा उसको, और साथ उसको स्पाउस के साथ इनवाइट किया जाएगा, स्पाउस के साथ, शोहर के साथ बीवी को, बीवी के साथ शोहर को, अबे अम्मी को, और किसी को नहीं रखा, ये ख्याल करें। तो ये भी इनाम आपके लिए। यहां बात खत्म की एमडीआरटी, खूबसूरत इस दफा तो कमाल ही हो गया। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक ऐसे शख्स से आपको मिलाऊंगा जो मुसलसल 10 साल तक एमडीआरटी को का मेंबर बनता रहा है, मुसलसल 10 साल। अब पूछे कि कैसे बने? Yes, और अब लाइफ टाइम मेंबर बन गए, अब ना भी बने करें दोबारा, हर साल इनवाइट होगा, अभी हम उनको उसका तारुफ करवाएंगे कौन है। लेकिन एमडीआरटी वैसे तो 36 लाख रुपए चाहिए होता है, इस साल कोविड की वजह से उन्होंने कहा 27 लाख करो। अगर 27 लाख कर लोगे तो एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई कर जाओ। एमडीआरटी के एजाजात अपनी जगह, कंपनी आपको 4 रातों और 5 दिन के लिए अजरबैजान भिजवाएगी, आपका आना जाना, आपका वहां का सैर सपाटा, आपका खाना पीना सब कुछ सॉरी कंपनी देगी। अभी मैंने पहले मैं एक के और अगर कोई 50 लाख का प्रीमियम कर ले, ओएल का, पीए का, ईसीपी का मिलाकर परसिस्टेंसी उसकी 80% हो, तो एक साल, ये इधर की मैं बात करूं, एक साल के लिए कंपनी मेंटेन कार्ड मिलेगी। ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसको सेल्स पॉलिसी को स्टडी कीजिए, इसको पढ़िए, मैनेजर हजरात बार बार इसको देखे ताकि मैक्सिमम लोग इसको क्वालिफाई करें और लाइबिलिटी की वजह से इसको रहना चाहिए। आखिर में इससे पहले कि मैं बराह रास्त बुलाऊंगा उस साथी को जिसने एमडीआरटी को 100 मरतबा 10 मरतबा अल्लाह करे 100 मरतबा भी हो जाए क्वालिफाई किया, वो बताएंगे कि उनका ड्रीम क्या था, कैसे उन्होंने हासिल किया और आपको क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि हमें बस वक्त पड़ा था, हमें अंदाजी भी करनी है, नमाज भी देने, ये इस दुआ के साथ के परवरदिगार आपको कामयाब और कामयाब करे। प्लीज दिसंबर को दिसंबर समझिए, ये महीना है सेलिब्रेशन का, ये महीना है एंजॉय करने का, ये फार्चून का महीना है, तो वादा कीजिए इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में कोई ऐसा एजेंट नहीं होगा जिसकी इस महीने की आमदनी कम से कम 1 लाख होगी। कोई भी एजेंट 1 लाख से कम नहीं कमाएगा, कितना करेगा, कितना कमाएगा, बड़ी कम आवाज आ रही है, कितना कमाएगा, और एबीएम कम से कम मिनिमम 2 से 3 लाख कमाएगा, कितना, 2 से 3 लाख। और इसी तरीके से मैनेजर हजरात, जब आपको ये पैसे, दिसंबर का महीना नई गाड़ी खरीदने का महीना, दिसंबर का महीना प्लाट खरीदने का महीना, दिसंबर का महीना शादी करने का महीना, पहली दूसरी नहीं, दिसंबर का महीना घूमने फिरने का महीना, दिसंबर का महीना मकान बनाने का महीना, जो ख्वाब है वो दिसंबर में देखेंगे। इस दुआ के साथ के परवरदिगार आपको सेहत और सलामती के साथ रखे, कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत नौजवान है, ये नौजवान एक्चुअली जा रहा था फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए, हमने उसको जबरदस्ती बुलाया, इसलिए अगर ये ना होता तो हमारा एमडीआरटी कौन करता। फरहान यासीन साहब अपनी जबान से बताएंगे कि उन्होंने क्या ड्रीम देखा और क्या एजाज हासिल किया और अब भी की टीम में कितने लोग प्रमोट हो, कितने लोग इसको करने वाले हैं, और आपके लिए जनाब भरपूर तालियों में हमारे रीजनल मैनेजर फरहान यासीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू थैंक सीनियर सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एमडीआरटी को बात करने के लिए, जनाब मोहसिन नवाज साहब सर, जमीन साहब, एमडीआरटी इज माई लव बेसिकली। 10 ईयर्स बैक मुझे अच्छा लगता है एमडीआरटी के ऊपर बात करने के लिए। 10 ईयर्स बैक जब मैंने फर्स्ट टाइम एमडीआरटी किया तो फर्स्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं अमेरिका गया, अलहमदिल्ला मेरा USA का वीज़ा लगा और वो मीटिंग मैंने अटेंड की अपने सीनियर जनाब तस्लीम मर्दूम साहब के साथ, उनके साथ मैंने बड़ा कुछ वहाँ सीखा। वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ समझाई, एक चीज़ गाइड की, इतने क्राउड में ये लोग सारे के सारे मोर देन 10,000 क्राउड था दैट टाइम, की बात कर 2013 की, तो उन्होंने कही सब के सब इंश्योरेंस सेल्स पर्सन है। 10,000 के क्राउड में जब मैंने अपने आप को वहाँ पर फील किया, मुझे प्राउड हुआ कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड,
यकीन करें वहां पे मुझे ये फील आई और उन्होंने मुझे इस फील को करवाया मेरे सीनियर ने जनाब तसीम मुद्दून साहब ने कि आपने इसको पकड़ लेना इसको छोड़ना नहीं है। तो वहां पे मैंने खासे ऐसे एमवीआरडी से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने लाइफ टाइम मेंबर उसके थे और लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए मिनिमम 10 राउंड होना जरूरी है। अच्छा बात यह कि मुझे क्या चीज बर्निंग डिजायर और क्या मोटिवेशन थी मुझे इसके पीछे, वो ये थी कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक था। मेरा कभी ड्रीम ये नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर सेटल हो जाऊँ। मेरा हमेशा ये ड्रीम रहा कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर एवरी टाइम वैलिड वीजा होना चाहिए, मुझे कभी कहीं भी किसी कंट्री जाना मुझे प्रॉब्लम ना हो, ये ड्रीम था। मैंने सोचा कि मेरा वीजा लगता है यूएसए का वो 5 years के लिए लगता है, 5 साल के बाद एक्सपायर होगा, तो 5 साल के बाद जब मैं एम्बेसी दोबारा जाऊँगा तो मुझसे पूछेंगे भैया क्या करने जाना है। डेफिनेटली दैट टाइम मैंने एमबीए दोबारा क्वालिफाई किया होगा, मेरे पास इन्विटेशन होगा, देन मुझे वीजा ग्रांट हो सकता है। अब लाइफ टाइम हार्ड वर्क तो इंसान सेल्स में काम नहीं करता, तो मैंने दैट टाइम ये ड्रीम अगर क्यों ना मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप लेके 10 years 10 round कम्प्लीट करने के बाद इस चीज़ के ऊपर आ जाऊँ कि मुझे सेल ना भी करनी पड़े 10 साल के बाद। एवरी ईयर अब मैं उस एसोसिएशन का मेंबर हूँ, एवरी ईयर मुझे इन्विटेशन आएगा और मेरा वीज़ा अगर 5 साल के बाद एक्सपायर भी होगा तो अम्बेसी के बाद मेरे पास प्रॉपर एक वैलिड रीज़न है कि जी मैंने इस पर्पज के लिए फिर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि लाइफ में कभी भी मेरा वीज़ा रुकेगा नहीं और मेरी ट्रैवलिंग कभी बंद नहीं होगी। देखिए हर सेल्स पर्सन के लिए मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि मिनिमम एमबीआरडी को ज़रूर क्वालिफाई करें। मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मैंने फर्स्ट टाइम एमबीआरडी के लेटर में एजेंसी मैनेजर था, सीनियर ब्रांच मैनेजर था। एज ए मैनेजर आपको पर्सनल सेल करना, अपने कस्टमर को सर्विस देना, अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना, प्लस अपनी टीम को देखना, टीम के मामला देखना और अपने बजट्स को पूरा करना, इस वेरी मच डिफिकल्ट। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम करें तो मैं चाहूँगा हर मैनेजर हर सेल्स का बंदा मेरा इस टीम के जो हमारे आई जी लाइफ इंश्योरेंस का है उसको एमबीआरडी जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। इस साल हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 2.7 मिलियन बिजनेस। आज से 10 साल पहले ये प्रीमियम था, एक्चुअल प्रीमियम एमबीआरडी का 3.6 मिलियन है, लेकिन इस साल कोविड की वजह से अपॉर्चुनिटी है हमारे पास 2.7 मिलियन बिजनेस जो करेगा वो एमबीआरडी का मेंबर होगा। सर ने अभी तो बताया था सेल्स पॉलिसी के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है कि अदरवाइज का ट्रिप है। एक और चीज कंपनी ने इसमें ऐड की है सर, वो बता रहा हूँ इसके अंदर, मैं बता दूँ 50% आपकी जो मेंबरशिप फीस है वो भी कंपनी लेके लेगी। Am I right, sir? $550 एमबीआरडी क्वालिफाई करने के बाद $550 आपको उसकी मेंबरशिप फीस पे करनी होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 बनती है, उसका 50% कंपनी पे करेगी। 2021 में जो उसका वैल्यू है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट है लुजियाना, सिटी है न्यू ऑरलींस। 6 जून को ये मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग बेसिकली 4 days का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर आके आपको गाइड करते हैं कि आपने सेल कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, आपने कस्टमर को सर्विस कैसे देनी है, आप अपने पोर्टफोलियो को मजीद कैसे बढ़ा सकते हैं। 4 days का बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड की मेरा दिल किया कि आप मुझे किसी भी साथ इसको मिस नहीं करना। 2012 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2014 में मैंने ये मीटिंग मिस की है ड्यू टू वीजा का इशू आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी मीटिंग्स अटेंड की। लास्ट 2019 में पिछले साल अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के फ्लैग को रिप्रेजेंट करने की। ओपनिंग सेरेमनी में मोर देन 40 कंट्रीज होते हैं, जब ये एक मीटिंग का आवाज़ होता है ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग सेरेमनी होती है, तो आई वाज द फर्स्ट वन जो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ मुझे इंडस्ट्री पर प्राउड है, आई जी लाइफ पर प्राउड है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट काम कर रहे हैं। जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पर्सनली मैं बाय एजुकेशन में आईटी का स्टूडेंट हूँ, बीसीएस ऑनर्स, सीसीएमपी सर्टिफाइड, स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्किंग है। लेकिन सेल्स के काम में मुझे क्या चीज़ अट्रैक्ट की, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, अनकैप्ड इनकम और जॉब सिक्योरिटी प्लस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इस चीज़ों की वजह से मैंने इंडस्ट्री में काम किया, फास्टेस्ट ग्रोथ है, हमें काम करना चाहिए, हम लोग काम करेंगे बहुत आगे जाएंगे। एमबीआरडी को पकड़ लें, 3 लाख के प्रीमियम पर मंथ करने वाला बंदा जिसकी पर मंथ इनकम 1 लाख बनती है, इतनी तो बेसिक नेसेसिटी है हमारी। 1 लाख से कम अगर हम मंथ करें तो सिलेक्शन का फायदा कर लेंगे। सिर्फ एमबीआरडी पे फोकस करें, यू विल सी द डिफरेंस। इंशाल्लाह इस साल मेरी टीम में से 6 लोग एमबीआरडी से क्वालिफाई करने जा रहे हैं, उन 6 में से एक का 5th MBRD है, एक का 3rd MBRD है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने लोगों को तैयार ऐसे किया जा रहा है कि वो लाइफ टाइम मेंबरशिप की तरफ चले, क्योंकि माशाल्लाह मेरा 10th round कंप्लीट हो गया है। नाउ टू ऑनवर्ड मैं एमबीआरडी का इंशाल्लाह जनवरी में जो लास्ट मेंबरशिप होने जा रही है
वो लाइफ टाइम मेंबरशिप में टाइटल मिल जाए, उसके बाद मुझे इसकी मेंबरशिप की फीस कभी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ मीटिंग अटेंड करने की फीस है वो दिया करूंगा। कि $550 जो हर साल मैं पे करता रहा हूँ, 2021 के बाद मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने सीनियर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने मुझे गाइड किया, कंपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि 10 साल का सफर आसान नहीं था। अक्सर अवकात हमारे टीम मेंबर्स कह रहे होते हैं सर जो कोशिश की, VIP नहीं हुआ, लीडर्स कैप नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपको अपने टाइम फ्रेम के अंदर अगर बिजनेस चाहिए, नंबर ऑफ प्रोमिसेस बढ़ाए, नंबर ऑफ कमिटमेंट्स बढ़ाए। इन 10 ईयर्स में जो फाइनेंशियल इशूज पाकिस्तान में आए वो सारे मैंने फेस किए, लेकिन अलहमदिल्ला एक भी गैप ना। और एक वजह ये थी कि मेरी कमिटमेंट पूरी थी, मेरी डेडिकेशन पूरी थी, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे काम करना है। कहीं भी 1% भी ये नहीं था कि यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं कैंसिल कर लूंगा, नहीं। नंबर ऑफ कमिटमेंट्स आप बढ़ाए, मेरे कस्टमर्स ने भी पोस्टपोन किया, पेंडिंग किया, लिंगर ऑन किया, अच्छा देखते हैं करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कमिटमेंट्स ज्यादा होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टाइम फ्रेम के अंदर जो मुझे टाइम मिला जनवरी टू दिसंबर इतना प्रीमियम रिक्वायर्ड है मैं करने में कामयाब रहा। वन ऑफ द बेस्ट आपको कोई अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ कमिटमेंट्स बढ़ाए आपके लिए काम आसान हो जाएगा। एट द थैंक यू सो मच सर वंस अगेन आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी MDRT बात करने के लिए। मुझे बड़ी उम्मीद है कि लास्ट इतने अरसे से मैं अकेले ट्रैवल करता आ रहा हूँ, सिर्फ 2015 में मीटिंग जो मेरे अटेंडेंस में मेरी कंपनी से 500 रुपये थे। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट अब जब भी हम जाएंगे मैक्सिमम क्राउड मेरे साथ जाना चाहिए, इंशाल्लाह वहाँ पे हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करें, हम वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, इंशाल्लाह वी विल विन द रेस। थैंक यू। तो अब बारी है जो मंडे को आप लोगों से बात कर रहे थे और आपसे वादा था कि म्यूनिक स्कीम बिल्डिंग सेशन आपको सारे प्राइजेस हम देंगे सितंबर के प्राइजेस के लिए और अक्टूबर के प्राइजेस के लिए। तो ANH का थ्रू बात नहीं करेंगे सबसे पहले जुहेर इम्तियाज नाइन एप्लीकेशन बस बुला अच्छा आमना मुदत नहीं नाम को भैया प्राइस क्या है प्राइस जी सर प्राइस जी प्राइस एक की चैन एक मग एक कार्ड और एक वॉलेट छह एप्लीकेशन के साथ एक ही चैन एक मग एक कार्ड और एक वॉलेट असद अली एक की चैन एक मग एक कार्ड और एक वॉलेट अक्सा बरकत एक की चैन एक मग एक कार्ड एक वॉलेट जी क्लेमिंग की आवाज नहीं आ रही। अज्ञान अशरफ एक की चैन एक मग एक कार्ड एक वॉलेट इकरारुल मोहसिन एक की चैन एक मग एक कार्ड एक वॉलेट मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल अगले हैं मोहम्मद बिलाल एक की चैन एक मग एक कार्ड एक वॉलेट सानिया नवीन एक की चैन एक मग एक कार्ड एक वॉलेट
शुएब अली। एक की चैन, एक मग, एक कार, एक वॉलेट। आयशा अली। सर परवीन अख्तर। एक की चैन, एक मग, एक कार, एक वॉलेट। उमेरा खालिद। सर एक पिक्चर ले ली गए फिर टाइम होगी। सर फोटो नहीं बनी। एक उमेरा खालिद, एक की चैन, एक मार्क, एक कार्ड। सर अनूप दौलत मिश्री। एक की चैन, एक मग। खावर महमूद हुसैन। लंबी तस्वीर तुलवा लेंगे छोटे फिर काम। खावर महमूद हुसैन। एक की चैन, एक मग। महरीन जाहिद। साकिब अली। एक की चैन, एक मग। शबाना कोसर। एक की चैन, एक मग। जुबैर शोकत। एक की चैन, एक मग। अफशान कमल। एक की चैन। आमना शब्बीर। ये एक की चैन के सेट है यानी कि दो की चैन मिलेंगे। आमना शब्बीर दो की चैन। करीम अकबर दो की चैन। खालिद महमूद दो की चैन। मारिया गोरेटी। मारिया गोरेटी दो की चैन। मारिया यूनस। मारिया यूनस दो की चैन। मोहम्मद आसिफ इफ्तखार। मोहम्मद आसिफ इफ्तखार दो की चैन। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम सर। सना जावेद दो की चैन। और सैयदा अरूज दो की चैन। अब आ रही है थ्री डेज एक्टिविटी अक्टूबर की। मोहम्मद रफीक। एक पेन, एक होल्डर, एक कैप, एक वॉलेट, एक फोल्डर। सॉरी फोल्डर नहीं है इसका। मोहम्मद रफीक। हाफिजा इकरा नजीर। हाफिजा इकरा नजीर एक पेन। हेलो दौलत नसीम। फोटो हो गया दे दीजिएगा बस। एक पेन। थैंक यू वेरी मच। ये गुजारिश है ये एल एच प्राइजेस जिनको मिले हैं ये यूसुफ साहब से या आसिफ साहब से नीचे से प्राइजेस आपने कलेक्ट कर लीजिएगा अभी इस मीटिंग के बाद।
अभी इम्पोर्टेंट सेगमेंट बाकी रह गए हमारा लकी ड्रॉ जिसमें गाड़ी और 5 मोटर बाइक्स है 51 प्राइजेज है दिल थाम के बैठे और भरपूर तालियों में शुरू करवाइएगा और ये शुरू करेंगे स्मॉल प्राइस से और एक बात और नोट कीजिएगा अगर किसी शख्स के 2 प्राइस निकलेंगे तो उसे हायर वैल्यू का 1 प्राइस मिलेगा दोनों नहीं मिलेंगे मतलब गाड़ी yes, मिलेगी बाइक नहीं मिलेगी यस अगर 2 निकलेंगे नहीं जरा देखिए जी ये टोटल प्राइस है 51 सर यहाँ पे ना रखें हाँ रखें यार 51 प्राइजेस है जिसमें 20 पावर बैंक है और सैमसंग फिट बैंड है 10 मोबाइल फोन्स 10 है एलईडी 40 इंच की 5 है मोटर बाइक 5 है और सुजुकी ऑल्टो जो है वो एक है तो देखिए किस किस मुकदमे में आती है पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है इस जिले में मजबूती तौर पर जो क्वालिफायर है किस कीजिएगा यूसुफ साहब किस कीजिएगा किस पे है जो क्वालिफायर की लिस्ट आपके पास आपको बता दें कि इसमें जितने क्वालिफायर है टोटल हम प्राइस निकालेंगे और अगर किसी का नेक्स्ट प्राइस निकल आएगा बड़ा निकल आएगा तो ऑटोमेटिक छोटा उसका सरेंडर हो जाएगा उसकी जगह पर नहीं हम पूरा दादी करेंगे साथ से मामा भाई ठीक है जो भी टाटा ग्रुप है आओ बहुत अब कुछ जो आगे करेंगे ये देखिए जो इसमें टोटल जो कोपिन्स पड़े हैं वो जोनल कॉलेजेस के 18 कोपिन हैं इसी तरीके से हमारे पास जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं उनके कुल 60 कोपिन्स हैं इसके बाद हमारे जो ब्रांच मैनेजर है इनके 60 कोपिन है इसके बाद 56 कोपिन है हमारे जो हमारे एसबीएम जो उनके हैं इसके अलावा 25 हमारे पास कोपिन है जो जीएम्स के हैं और इसी तरीके से हमारे पास जो टोटल मिलाकर जो एजेंट्स के कोपिन हैं उनकी तादाद है 166 और ये तमाम वो लोग की ई लिस्ट तमाम के तमाम हम शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आए हम आवाज करते हैं सबसे पहला कोपन उठाएंगे ये हम ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले किस चीज के लिए पावर बैंक के लिए ये पावर बैंक की तादाद रहती है 20 फैसल हुसैन कोड नंबर 0591022 चले आगे चले ये तमाम के तमाम हमने सर्वे में डाले हुए माशा तारिक महमूद तारिक ग्रुप मैनेजर तारिक जावेद तबस्सुम फैसलाबाद सोफिया हफीज कोड नंबर 0375155 सियालकोट
फोजिया बशीर आगे ब्रांच मैनेजर को चार को रुबीना वाजिद रावलपिंडी रुबीना वाजिद कस्टम जावेद के साथ रुबीना वाजिद पावर बैंक कितने हो गए काजी ज़िया रसूल काजी ज़िया रसूल ये बशीर साहब जो जीएम है उनकी टीम से है हेड फकीरिया खातून जीरो वन कराची अमजद साहब के एरिया से अदील आफ्ताब ग्रुप मैनेजर कराची अदील आफ्ताब का भी पावर बैंक ये किरण शहजादी फैसलाबाद आई आई सेंट्रल में आई आई सेंट्रल में आया सेंट्रल सेंट्रल आ रहा सैयद अताउल्ला सीनियर ब्रांच मैनेजर मीरा खान आयुष्मान फिर लाना पड़ा कामरान रशीद ब्रांच मैनेजर कामरान रशीद इस्लामाबाद मुल्तान आया आया सेंट्रल आया आया शौकत हुसैन 07 03 75 मोहम्मद तन्हा अहमद 03781200003 सीनियर जावेद कामरान रशीद ब्रांच मैनेजर ये हो गया सजी लेकिन ये पर्चियां अगली अगली कैटेगरी में पड़ेगी कोई कैटेगरी नहीं बाकी अभी अभी बीच में अनदर चाहिए वासिफ रशीद ओ सेंटर शौकत हुसैन 037 मदिया आरिफ सीनियर ब्रांच मैनेजर बाबा जी सियालकोट बाबा जी सियालकोट आजम बी ब्रांच मैनेजर 037 बाबा जी सियालकोट बाबा जी सियालकोट शाहिद असलम सेल्स कंसल्टेंट 5705 सैम सिंह फिट बैंड का 5 नंबर सैम सिंह फिट बैंड 5 नंबर और पहला जा रहा है जोएब निकालेंगे
Now, Tariq Chameel, sales consultant 03780101023. Sir, Ek Jamin, Rawal Pindi. Taiba Khatun, executive consultant 01020. निकल चुका है, अब हम निकाल रहे हैं, ये तैयबा खातून का डाल लें और वहां से दोबारा एक फिट उसके लिए तुरंतदाजी हम कर लें। किसके लिए? जो फिर अपना पावर बैंक के लिए एक पावर बैंक दोबारा आ गया तैयबा खातून का, अब प्राइस चेंज हो गया है, ये पावर बैंक के लिए आ रहा है जी। कमर हमीर 03753 बाबा जी सियालकोट। एक निकला पावर बैंक का, पावर बैंक का एक हुआ, अब चलो निकाले और ये सैमसंग फिट इवेंट के लिए। मोहम्मद हारिस महमूद 03900101036 शाहिद हुसैन बी सेल्स एसोसिएट 08701038 अच्छा जी, अब अगले पांच इनामात, ये पांच इनामात हैं मोबाइल फोन्स के, सॉरी अपने ये 10 है, फिर बैंक के पांच और हैं, फिर बैंक के पांच और हैं, फिर बैंक के पांच हैं, सर उस्ताद साहब अल्लाह ताला के बारे में साहब राव तारिक जमीन सेल्स कंसल्टेंट चुका है, देखिए और नहीं ये उसी में ही फिट बैंक इमरान हुसैन जोनल मैनेजर बाबा जी अगेन सियालकोट, अगेन सियालकोट पता मेरे साथ तेरे नहीं है यार। सलवर 037 डबल सियालकोट अदीबा खान 037 भवाई पिंडी शाहिद इकबाल सी सीनियर ब्रांच मैनेजर 0803 यूसुफ साहब ने कोई गड़बड़ की है। नफीसा बेगम सेल्स कंसल्टेंट 0 जी वाह, अब 10 प्राइस है, अब 10 प्राइस है मोबाइल फोन के 10 जी छोटे नाम आते रखा सीनियर ब्रांच मैनेजर ताहिर सज्जाद अली कराची मोबाइल फोन किसी और कर माने तो आके हिला ले इसको हमेशा हमेशा है कम आया सर शुक्रिया गुलाब से कपड़ा लाओ यार लिखिए ना सेंटर लास्ट पे जी रात दे रहे यार हीरा सुहेल 08 हां बा बिलाल जी सोया साइड पे होने ब्रेर मुर्तजा ब्रेर मुर्तजा वजीराबाद वाह जी वाह
शर्म ही है, ये भी दास है ना। हाँ जी, ये कमाल हो रहे हैं। हमजा अजीम सेल्स एसोसिएट 08030 शाम को नहीं, गुजरावाला गुजरावाला। सादिया तोफेल ब्रांच मैनेजर 082910 वसीम अब्बास अफवान 08004 04 ये गलबन गुजरात मोहम्मद अदील आलम ब्रांच मैनेजर 050 कराची कराची की रांची सुबैर अली ब्रांच मैनेजर 0803 हाँ जी। अब अगले 10 अगले 5 इनाम हैं एलईडी 40 इंच के मोहम्मद जावेद सीनियर कसू जावेद साहब आपको मुबारक हो आप एलईडी के सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं मोहम्मद बशीर बी 0806 हेड फकीरिया एलईडी हो गई है उसका पहला इनाम निकाला उसकी जगह दूसरे हिरा सोहेल वो रहने दे जरा सोहेल का एलईडी कर दे और वहां से मोबाइल फोन के लिए पर्ची निकाल सादिया कोसर सीनियर ब्रांच मैनेजर रावलपिंडी ये क्या निकला है कितने हो गए हारून शफीक सेल्स कंसल्टेंट इस्लामाबाद मोहम्मद अंसार ए ब्रांच मैनेजर 09132 ये 913 मुजम्मिल अब्बास लो जी अब जरा दिल थाम के बैठो कि 5 मोटर बाइक के ड्रॉ हो गए सोहेल का प्राइस निकाले बाइक आ गया इसका बाइक आ गया और दूसरा कुछ टीवी हसन मुख्तार एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट 0378 जोहेद जामे इस्लामाबाद पिंडी यार अनवर अली खान असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर 050 कराची अनवर अली खान कराची दिलवीर अहमद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर 0355 मोटरसाइकिल सईद अहमद सेल्स कंसल्टेंट 0876 मीरपुर आजाद कश्मीर गाड़ी के लिए अब इसको सही तरह हिलाए गाड़ी के लिए
अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब हमारे सेंट्रल के हेड ऑफ एजेंसी सेल्स जनाब मोहम्मद जमीन साहब से कि वो गाड़ी की कुरानदाजी के लिए एक बच्ची निकाले और ये ध्यान दे रहे हैं कि किसकी बारी आ गई वो चने आने ताजे चने रुपया रुपया आल्टो वाले आल्टो 660 सीसी दी आल्टो अदनान असलम एक जीरो फोर नाच से है बात बताता हूँ इसको लाइव 804 निम्रा इमरान छोड़ गई ये एक्टिव है मदीहा 804 मदीहा आरिफ का है देखे ये एक्टिव है निम्रा इमरान सीनियर एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट एएसपी को रिश्ता दी छोड़ गए चेक करके आए अभी एक्टिव का फार्मूला 12 ओवर 12 भी है ना जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सेल पॉलिसी से जेंटल में एसपी जी कह रहे हैं आप सही जा रहे हैं बहन जी आप सही जा रहे हैं पूरी हो कर बिल्कुल परसेंटेज अगर इनकी परसेंटेज कम है तो इनाम नहीं मिलेगा उठा जाके सब लोग नहीं नहीं पीए भी बेचे हो बहन भाई सरकार सर एक मिनट सब तो बात हो जा रही वो भी मैंने निकाला मेरी पर्ची बिलाल साहब ने निकाली अगली बारी दोबारा अब सया ना कोई ताकत नहीं हक अदा की है ओ थोड़ा आगे स्पेशल है जेड़ा भी है यार मोबाइल इमरान है आपके पास कोई अभी एक्टिव है काम कर रही है बहुत बहुत मुबारक हो इनकी गाड़ी निकल आई है कुरानदाजी में जी राशिद भाई आ गए हमारे हमारे हेड जो सेंट्रल के रीजनल हेड ऑफ एएससी के राशिद खान साहब बहुत एक्साइटेड है Thank you.